हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक हैंड हेल्ड आयर मशीन लेके आया हूँ, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्ट करती है। बेसिकली आयर मशीन, ये हैंड हेल्ड है, काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है, आपके सेलफोन जितना बड़ा होगा। ये काफ़ी छोटा सा बिल्ड क्वालिटी, इसकी ABS प्लास्टिक यूज़ हुई है। आपको मैं इसके ओवरव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इस 0 to 100 volt DC सपोर्ट करती है और 0 to 200 ohm रेजिस्टेंस आप इस पर मेजर कर सकते हैं। इस नीचे की तरफ दो पोर्ट हैं, एक 5 volt DC चार्जिंग के लिए, आपके माइक्रो USB पोर्ट है, ये आपके नॉर्मल मोबाइल फ़ोन के चार्जर से चार्ज हो जाती है। और यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं जिनकी मैं बात करूँगा बाद में थोड़ी आगे चल के। ये मॉडल जो है, ये लेटेस्ट मॉडल है हैंडल आयर मशीन में, LQ1060S। यहाँ पे कुछ चाइनीज़ पर लिखा हुआ है। इससे आप रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों एक ही टाइम पर मेजर कर सकते हैं पर सेल की। और ये है इसकी पूरी डिज़ाइन, काफ़ी सिंपल सी छोटी ही डिज़ाइन है, प्लास्टिक है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पकड़ में अच्छी आ रही है, इसकी जो ग्रिप है काफ़ी अच्छी है। इसके साथ और क्या मिलता है मैं हम आपको दिखाते हैं। इसके साथ में एक क्लैंप मिलती है जिसमें आप सेल की आयर और वोल्टेज एक साथ टेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर फंसा के। ये बेसिकली एक PCB बोर्ड है जिसको डबल लेयर PCB बोर्ड बीच में सैंडविच कर दिया गया है, डबल लेयर PCB बोर्ड है जिसको बीच में सैंडविच करके स्क्रू के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। काफ़ी सिंपल सी डिज़ाइन है। इसमें आप AAA, AA, 18650 और 3250 सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। इसकी पिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है, इसमें ये सब मेटल क्वालिटी, मेटल बिल्ड है। आपको इसके साथ और क्या मिलता है वो भी दिखा दूँगा। इसके साथ हमें ये प्रोब मिलती है और सेम कनेक्टर मिलती है और हमें दो क्लैंप्स मिलती हैं, क्लिपर टाइप, एलिगेटर क्लिपर टाइप मिलती है सेम क्लैंप के साथ। इस पर हम बाद में आएंगे, हम पहले मेन यूनिट को चेकआउट कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन है और इजी टू यूज़ है। सबसे पहले हम ये कनेक्टर लेंगे और इसकी जो ग्रूव बनी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर इसको मैच करके इसको फिक्स करेंगे। यहाँ पे फिक्स हो गई। अब इसको हम वॉशर को धीरे से टाइट कर देंगे। बस हमारा ये यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। ये रहा इनपुट यूनिट और ये रहा आपका डिस्प्ले। आपको एंटर को एक सेकंड के लिए दबाना है और ये मशीन ऑन हो जाएगी। बस ये ऑन हो गई है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे वो रेजिस्टेंस शो करेगा और नीचे आपका वोल्ट शो करेगा। अभी ये ऑटो मोड में है, यानी कि आपको कोई पैरामीटर सेट नहीं करने पड़ेंगे। ये ऑटोमेटिकली वोल्टेज और रेजिस्टेंस डिटेक्ट करके उस हिसाब से आपको रीडिंग दे देगा। और यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपका बैटरी, जो इसके अंदर की जो बैटरी लगी हुई है उसमें कितनी परसेंटेज चार्ज है। ये रिचार्जेबल है पूरी तरह से, इसमें कोई अलग से बैटरी नहीं लगती है, तो उसी की ये इंडिकेटर है। तो अभी आप देख सकते हैं ये नेगेटिव, यानी कि कम दिखा रही है, क्योंकि ये अभी अभी यूनिट मैंने खोला हुआ है तो इसमें चार्ज करना बाकी है। यहाँ पर मेरे रेफरेंस के लिए मैंने कुछ सेल्स यहाँ पर लिए हुए हैं। ये आपके सोलर ग्रेड की सेल है 5000 mAh और ये EV ग्रेड की सेल है। चलिए हम पहले ये EV ग्रेड आपको टेस्ट करवा देते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, आप सिंपली ये क्लैंप लेंगे और क्लैंप में इसको फंसा देना होता है। एक पहले डाउन, फिर ये, तो आप डिस्प्ले पे आप देख पाएंगे रीडिंग। इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 6.290 मिली ओम है और इसकी जो वोल्टेज है 3.290, तो जो कि ये काफ़ी एक्सेप्टेबल एक रेजिस्टेंस है, IR है इस सेल्स के लिए, जो कि LFP के और LFP के ऐसे भी जो IR होती है वो बहुत कम होती है। तो ये बस हो गया चेक। अब इसको रिमूव कर देंगे, सिंपली आप इसको पुल करेंगे और ये रिमूव हो जाती है। अब नेक्स्ट हम सेल ये सोलार ग्रिड की सेल लेंगे जो कि पड़ी हुई थी मेरे पास। अब इसकी हम अगर IR चेक करते हैं तो इसकी IR 9.217 आ रही है, जो कि आपके जो EV ग्रेड है उससे ज़्यादा है, 9.217 मिली ओम। ये हो गया LFP। और मेरे पास कुछ सेल्स पड़े हुए थे, ये सैमसंग की लिथियम आयन सेल्स, और लिथियम आयन की जो IR होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं कुछ टेस्ट कराता हूँ, ये सैमसंग की ही है सेल, मैं आपको पढ़ाता हूँ।
सैमसंग की है, ये पुराने लैपटॉप से निकली हुई है सेल है। इसकी आपकी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 81.21 मिली ओम आ रही है और जो वोल्टेज है शो कर रहा है वो 3.948 है। अब नेक्स्ट हम ये LG की सेल है, ये LG ABC41865 मॉडल है। इसकी हम अगर बात करते हैं इसमें भी लगभग समान ही आ रहा है, 88.32 मिली ओम। अब नेक्स्ट ये सोनी की सेल है और इसको चेक करते हैं हम, तो इसका काफ़ी कम है, 48.22 मिली ओम, तो ये काफ़ी सही रहता है। और ये हमारे पास सानियो का है, ये काफ़ी जो बैटरीज है ये इसमें बहुत कंप्लेंट्स आती हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ओवरहीट होती है और ओवरहीट होने की एकमात्र रीज़न होता है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इस डिवाइस के थ्रू ये कन्फर्म कर पाते हैं कि इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, अभी आप देख पा रहे हैं इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाकई में काफ़ी ज़्यादा है, जो हमारे नॉर्मल के सैमसंग उसमें 80 के करीब आ रहा था, इसमें 130 के करीब आ रहा है, सो ऑलमोस्ट 50 मिली ओम ज़्यादा है। तो इसी के कारण से ये जो होती है ये सेल्स काफ़ी हीट होती हैं। तो बस यही सिंपल सा एक फैक्टर की कैसे हम टेस्ट कर पाते हैं, और इसका जो बाकी अटैचमेंट मिलते हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली IR हम इसलिए यूज़ करते हैं, IR टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें जो सेल्स होती है जब हम बैटरी पे बनाते हैं ताकि सेम IR की सेल्स हम एक साथ लगा पाएँ, किसी सेल की IR कम होगी और किसी सेल की IR ज़्यादा होगी तो हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने से हमारी बैटरी की एक्चुअल कैपेसिटी होती है वो लॉस होती है। हमें मेरे पास दो अटैचमेंट्स हैं, ये पहला प्रोब टाइप है, लेकिन ये कोई साधारण प्रोब नहीं होता, ये काफ़ी यूनिक और स्मार्ट प्रोब होता है। इसकी जो टिप्स होती हैं ये अंदर चली जाती हैं, इसकी जो टिप्स है वो अंदर चली जाती है, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, काफ़ी इंटेलिजेंट प्रोब होती है। इसको आप सिंपली इसमें कनेक्ट करिए, सेम जैसे उसमें कनेक्ट करते हैं, बस कनेक्ट करके। ये उसलिए यूज़ होता है ताकि आपके जो सपोज़ कोई बैटरी पहले से बनी हुई है उसको आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करनी है तो उसके लिए होती है। मैं आपको एक बैटरी पैक दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी पैक है जो पहले से बनी हुई है, 12 वोल्ट 6 एच की बैटरी पैक है, 3C EV ग्रेड। ये बस मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई थी। हम इसके अगर प्रूफ में डाल के अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी जो रीडिंग है वो 80.90 मिली ओम आ रही है और इसकी जो टोटल वोल्टेज है 13.157। इसके अंदर भी जो सेल लगे हैं वो LFP सेल से, तो इसी कारण ये यूज़ होता है क्योंकि आप जब बैटरी की जो ऐसे बैटरीज की आप अगर IR या फिर वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे, तो इसी के लिए आपको ऐसा प्रोब साथ में दिया जाता है। और फिर सिमिलरली और एक प्रोब हम इसको भी खोल देते हैं, और एक ये प्रोब है, ये एलिगेटर क्लिप है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बस आपको ये प्रोब लेना है और नेगेटिव को नेगेटिव, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो वायर है यहाँ पे आके कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्लास्टिक है लेकिन अंदर मेटल से रीइंफोर्स किया गया है। सिमिलरली ये एलिगेटर क्लिप्स उसी कारण से यूज़ होती है, काफ़ी सिंपल सा है ये डिज़ाइन। इसको आप अगर मैं खोल के आपको इसकी सेटिंग्स में आपको अगर दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा बेहतर। जो इसकी डिस्प्ले आप अगर रेजिस्टेंस पे जाके इसको क्लिक करेंगे सिंगल क्लिक, तो ये अभी 20 मिली ओम, इसका जो हाईएस्ट जो मेजरिंग रेंज है वो 20 मिली ओम हो जाती है। अब इसको करने से 200 मिली ओम हो जाती है, अब ये 2 ओम हो जाती है, और फिर ये 20 हो जाती है। तो अब इसको अगर ज़्यादा देर प्रेस करेंगे तो ये ऑटो हो जाएगी, ये ऑटो हो जाती है। ऑटो में क्या होता है, ये किसी भी तरह के जो होती है वोल्टेज रेजिस्टेंस वेरिएंट वो खुद डिटेक्ट करके उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। सिमिलरली आप वोल्टेज में जाएंगे, क्लिक करेंगे 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, ऑटो, तो
ये बस सेटिंग्स है और तो इतना कुछ वो नहीं, और ये बाकी सारी कुछ चाइनीज़ में लिखी हुई है, तो यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत ऐसे है नहीं। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, सिंपल और यूनिक। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, और इसको परचेज़ करना हो तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्राइस और परचेज़ डिटेल्स आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी कम्पिटेटिव प्राइस में ये अवेलेबल है इंडिया में। थैंक यू। और इसके बाद यही सब है प्रोप, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। इसके बाद टोटल आपको 3 टेस्टर प्रोब मिलते हैं, एक आपका नॉर्मल जो प्रोब की तरह आता है, और एक एलिगेटर क्लिप, और एक ये होल्डर टाइप। और ऑफ करने का सिंपल तरीका, आपको एंटर बटन को दबा कर रखना है और ये ऑफ, एंटर बटन को दबा करना है, ऑन ये ऑफ। काफ़ी सिंपल यूज़ करने में, और आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। थैंक यू।